अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेड पैटिस। उसके लिए लिए है मैंने ये ब्रेड, ये आलू लिए हैं मैंने तकरीबन 1.5 पाव उबाल लिया है मैंने, उबाल के इनको कद्दूकश कर लिया है। बंद गोभी 1 प्याली, मटर 1 प्याली, प्याज 2 अदद छोटे बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 10 से 12 बारीक कटी हुई, हरा धनिया 1 प्याली, कुटा हुआ धनिया 1 चमचा, कुटी हुई मिर्च 1 चमचा, काली मिर्च कुटी हुई 1 चमचा, नमक हसबे जायका, चाट मसाला 1 चमचा, हल्दी पाउडर 1/2 चमचा। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। प्याज भूनने के लिए हम ऑयल लेंगे छोटे वाले 2 चमचे। प्याज हम ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनको सेक लेंगे। इसमें प्याज हमने थोड़े से भून लिए हैं, अब हम इसमें बंद गोभी भून लेंगे और मटर भी। मटर, बंद गोभी, प्याज हमारे भून चुके हैं, अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ये भून लेंगे, खुश मसाले भी इसी में शामिल कर लेंगे। आलू जो हमने कद्दूकस करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह इसी की भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट, फिर हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम लेंगे दही, दही में हम डालेंगे 2 चमचे कॉर्नफ्लावर, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्टफिंग ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, अच्छी तरह से चमचे की मदद से इसमें भर लेंगे। दूसरा पीस हम ऊपर रख देंगे। और फिर ये दही और कॉर्नफ्लावर जो हमने रखा है इसमें इन्हें अच्छी तरह से डिप कर लेंगे, इस तरह से किनारे सारे किनारे कर लेंगे। फिर हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से लपेट लेंगे। ये हमारा ब्रेड पैटिस तैयार होने को है माशाल्लाह, इसी तरह हम सारे के सारे कर लेंगे। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ब्रेड पैटिस हमने भरकर तैयार कर लिए हैं और इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए ब्रेड पैटिस हमारा इतना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह, बिल्कुल गोल्डन। इसी तरह हम इन्हें दूसरी तरफ से भी ट्राई कर लेंगे। अफ्तारी के लिए खास रेसिपी, आप घर में बनाएंगे तो पता चलेगा ये कितने जायकेदार होते हैं माशाल्लाह, और इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ब्रेड पैटीज हमारे तैयार हो चुके हैं, अभी हमें आपको इनका क्रिस्पी और क्रंची पन दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह, ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे ब्रेड पैटीज पार्सल फ्राई तैयार हो चुके हैं। इनकी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
खास तौर पे अफ्तारी के लिए मैंने ये रेसिपी तैयार की है। माशाल्लाह बनाएंगे एक बार तो बार बार खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छे बने हैं ये। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी ब्रेड पैटिस फ्राई पार्सल की रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।